गए तुम दोनों? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहेंगे डॉक्टर, दो चार टेस्ट और करवाने के लिए कहा। ये डॉक्टर के पास जाओ ना तो कुछ न कुछ काम निकाल ही लेते, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो। पैसा और वक्त की बर्बादी। रिक्शा से गई और रिक्शा से आई, फिर भी ना थकान हो गई है, थक जाती हूँ आजकल। आपकी उम्र में आपसे आधा काम भी कर पाऊंगी ना माँ तो लकी होंगी। वैसे भी अभी ठंड बढ़ गई है ना तो बॉडी एक जॉइंट्स पेन ये सब बढ़ जाता है, इंसान जल्दी थक जाता है, मैं खुद थक जाती हूँ। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं माँ, खबरदार आपने आमटी या सांभर में इमली का पानी डाल के खाया तो। इमली घुटनों के लिए अच्छी नहीं होती है ना। हा? मैं मालिश कर दूं थोड़ी? बेटा तूने अभी मुझे दी ना गोली, पेन किलर दिए ना, ठीक हो जाएगा। और रात को कर देना मालिश, ठीक है? तो नींद भी अच्छी आ जाएगी मुझे। अभी थोड़ा कर देती तो। नहीं बेटा तू जा, बच्चे राह देख लोगे ना, जा। हाँ वो सखी भी कह रही थी कुछ बात करनी है, पता नहीं क्या बात थी, जाके पूछती हूँ। सुन। हाँ सॉरी बेटा। क्या हुआ? नहीं तुम लोगों की जनरेशन है ना, उनका यही हाल होता है। हम बूढ़े लोग और बच्चे, इनके बीच में ना तुम लोग पिस जाते हो बिल्कुल, पूरी जवानी निकल जाती है तुम लोगों की, कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। क्या माँ, अभी मैंने और आज ने कभी कहा क्या कि हमें आपका ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं बेटा, कुछ कहा तो नहीं। ये तुम लोगों का बड़प्पन है, बुद्धि विवेक। बेटा हम लोग की जिंदगी तो बहुत सीधी सादी थी, ये सब कुछ था ही नहीं, लेकिन तुम लोगों की जिंदगी कितनी स्ट्रेसफुल है। ये बच्चों को पालना ही देख लो, उनकी लिखाई पढ़ाई, ये क्लास वो क्लास, ऑनलाइन ट्यूशन, ये सोशल मीडिया, उनका मेंटल हेल्थ, उन पर नजर रखना, माई गॉड। तुम लोगों की नौकरी, माई गॉड। राजू कितना व्यस्त रहने लगा है, हर वक्त स्ट्रेन, फुल ऑफ स्ट्रेस। उसके चेहरे का नूर तो जैसे उड़ ही गया है। हमारे जमाने में सब नहीं था बेटा, 9 बजे जाना, शाम को 7 बजे घर वापस आना। अब तो ना घर में सुकून है ना दफ्तर में सुकून है, जिंदगी किधर है बेटा, किधर? हाँ पापा वो सब है, पर ये सब तो चलता रहेगा ना, आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं और राज लकी हैं कि हम आप दोनों और असखी अथर्व के बीच वाली जनरेशन है, ताकि आपका ख्याल रख सकते हैं, और आप लोग भी बेफिक्र होकर हमसे बोलिए जो भी चाहिए। हाँ जीती रहो बेटा। कितना करते हो तुम लोग हमारे लिए, मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ, हमारे बच्चे हमारे लिए कितना करते हैं, कितने लकी हैं हम लोग। वो तो है। जा तू जा, मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ। आ, आ क्या हुआ? माँ मैं सोच रही थी कि शाम को मालिश करने आऊंगी ना तो यहीं रुक जाऊंगी आपके पास। हाँ क्यों? अब वो कहीं आपको कुछ जरूरत पड़े रात को तो मैं रहूंगी ना आपके साथ, फिर मुझे भी तो चेंज की जरूरत है, सास बहू मिलके खूब सारी गपशप करेंगे। अच्छा है ब्रो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता उनको खुश रखने का। सीरियसली डूड, हम बॉयज कितने लो मेंटेनेंस होते हैं। सखी दीदी सुबह से टेंशन में, एक तो विवान ने उनको अनफॉलो किया और दूसरा पापा मम्मी बिजी है तो उनको काउंसलिंग नहीं मिल रही है। अरे गुनगुन दीदी है ना? गुनगुन दीदी नहीं यार, गुनगुन दीदी काउंसलिंग नहीं कंफ्यूज करती है। सखी दीदी सेंटी है यार, और ऊपर से विवान का चक्कर। आज कह रही थी कि डैडी काम में इतना क्या बिजी है कि उनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं है। तो पापा लोगों के पास टाइम थोड़ी होता है। मेरी मम्मी तो कहती है कि अगर शेयर मार्केट आर्स में उनका एक्सीडेंट भी होता है ना तो पापा मम्मी को हॉस्पिटल तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक शेयर मार्केट बंद नहीं हो जाता। सॉरी बेटा। मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दोगे? कहिए।
हाँ हाँ हैरी सर, नहीं वो ऑलरेडी दादर ब्रांच को पहुंच चुका है, क्लाइंट्स वहां पे वेट कर रहे हैं सर जी। ये फोन खत्म करके मैं बात करता हूँ, एक मिनट। नो डैडी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है कि मैं आपको मेरा हीरो मान के बैठा था। कभी कभी ना मन तो समझ में नहीं आता कि हम काम करने के लिए जीते हैं या जीने के लिए काम करते हैं। ऑफ कोर्स जीने के लिए काम करते हैं ना, अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। मेरी ये जो जॉब है ना, मुझे मेरी फैमिली से दूर कर देगी, ऐसा मुझे लगता है। दूर कर देगी क्या, दूर कर रही है हर रोज थोड़ा थोड़ा करके। EMIs होते ना वैसा, अथर्व नाराज तो कभी सखी उखड़ी हुई है। राज इतना मत सोचो, बच्चे हैं वो, मुंह बनाते हैं क्योंकि तुम्हें मिस करते हैं, पर धीरे धीरे इन टाइम उनको समझ में आएगा कि ये सब टेम्प्ररी है और तुम जो भी कर रहे हो उन्हीं के लिए तो कर रहे हो। मिडिल क्लास लाइफ बंधु, तुम जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, वो ऐसे बीच में ही फंसे रहेंगे, यहाँ जाए वहां जाए पता नहीं, ये करे वो करे पता नहीं। अथर्व मुझे अपना हीरो मानता है, लेकिन हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह हमेशा मैं देर से पहुंचता हूं। कभी कभी मन तो करता है ना कि ये जो जॉब है ना, वो बॉस के मुंह पे दे मारो कि रख भाई अपनी जॉब है ना, अपनी जेब में रख, नहीं चाहिए मुझे तेरी जॉब। लेकिन फिर आवाज सुनाई देती है कि राजेश वागले शांत हो जाइए, महीना खत्म होने से 4 दिन पहले आपकी तनख्वाह खत्म हो जाती है। फिर दिन गिनते रहते हो आप 1 तारीख का कि कब 1 तारीख आएगी और कब आपको सैलरी मिलेगी। ये जो हीरोगिरी है ना, बाजू में रखिए और अपनी नौकरी को अपने सर आंखों पे। राजेश बाबू, इट्स ओके टू नॉट बी ओके टाइम्स, अपने दिल से छोटा मत करो रहा आज। पता है मुझे क्या लगता है, तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है, रिचार्ज करने की जरूरत है। बिना चार्जिंग के तो मामूली सा फोन भी बंद हो जाता है, तो हम तो इंसान है ना, ऑफिस से सी ना इफ यू कैन गेट एन ऑफ। ये हमारा ऑफिस ऐसा हो गया है ना कि वहां पे ऑफ कभी नहीं मिलेगा। बट यू राइट, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। वैसे छुट्टी मांगूंगा तो ना छुट्टी मिलेगी नहीं। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.